हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट स्टील क्वांटिटी इन 120 स्क्वायर फीट स्लैब एरिया। 120 स्क्वायर फीट की कोई स्लैब है तो उसमें हमें निकालना है कि सरिया इसमें कितना आएगा। तो हमारे पास कोई, ठीक है, कोई फ्लैट बीम भी ले रहे हैं। सपोज कीजिए आपके मकान बनाने के अंदर कोई भी स्लैब हो सकती है। मैं एक थोड़ा मेथड बताऊँगा। सपोज कीजिए आपकी एक स्लैब है, ठीक है, तो उसमें आउटर वाल है तो उसमें आप फ्लैट बीम ले रहे हैं, या फिर कोई स्पैन थोड़ा ज़्यादा है स्लैब का तो उसमें भी आप फ्लैट बीम ले रहे हैं। तो इसमें आप फ्लैट बीम ले रहे हैं तो आउटर साइड में भी फ्लैट बीम ले रहे हैं। तो हम क्वांटिटी निकालते हैं स्टील बीम की। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि हमें फ्लैट बीम भी ले रहे हैं, स्टील क्वांटिटी तब निकाल के बताइए। तो वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर फ्लैट बीम ले रहे हैं सपोज कीजिए, तो उसमें आप फिर ले रहे हैं मेन बार होता है आपका शॉर्टर स्पैन जो होता है आपका मेन बार होता है। मेन बार ये वाला सबसे पहले डालते हैं हम, मेन बार ये वाला छोटी दूरी में जो होती है, ठीक है। उसके बाद हम डालते हैं क्रॉस बार या डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसको बोलते हैं। ऑलवेज अगर आपकी फ्लैट स्लैब है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो फ्लैट स्लैब होती है ऑलमोस्ट जो घरों के अंदर यूज करते हैं, फ्लैट स्लैब करते हैं, अगर फ्लैट बीम दे देते हैं तो वहाँ पर फ्लैट स्लैब यूज कर लेते हैं। अगर थोड़ा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है जिस पर ज़्यादा कि आपको लाइव लोड ज़्यादा लेना है, थोड़ा स्पैन ज़्यादा है, बीम उस पर लेनी है, कम से कम थर्ड फ्लोर तीन फ्लोर आपको बनाने हैं, तो उसमें आपको क्या लेने होते हैं, कॉलम और फिर आपके पास बीम। उससे क्या हो जाता है, इससे ये पर्पस होता है कि जो आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है, जो ज़्यादातर लोड होता है, डेड लोड और लाइव लोड और अर्थक्वेक लोड जो आप भूकंप होता है, उसको आसानी से जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, जो ये फ्रेम स्ट्रक्चर होता है ये आसानी से झेल लेता है। अगर इसमें शेयर फोर्स इस तरह से लगाते हैं, कोई फोर्स लगाता है तो वो शेयर इसमें ज़्यादा नहीं हो पाता है, मोमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा रहता है चीज़ में, कॉलम भी मिला इसके ऊपर टॉप बनाऊँगा मैं, ठीक है। तो ये हमने मेन बार एंड क्रॉस बार इसमें यूज किया। हम देखते हैं कि स्टील क्वांटिटी कितनी आएगी इसी मेथड से। अगर आपको पता है कि इसमें इतने क्वांटिटी निकाल सकते तो अब छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी स्लैब का एरिया निकाल सकते हैं। हम निकालना 120 स्क्वायर फीट का, स्क्वायर फीट में कितना केजी स्टील लगेगा, तो उसमें आप कितने इतना केजी स्टील लग रहा है 120 स्क्वायर फीट के अंदर, तो आसानी से आप, ठीक है, 120 तो आप आसानी से यहाँ पर कितने भी निकाल सकते हैं, कितने स्क्वायर फीट में, जैसे कि 2,500 स्क्वायर फीट का, तो 1,000 स्क्वायर फीट का इसी मेथड से, इसी वैल्यू से निकाल सकते हैं। हमारे पास है मेन बार है 12 mm के, 12 mm के हमने ये वाले जो बार डाले इस तरह से मेन बार डाले हमने 12 mm के, जो रेड कलर के हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार या फिर क्रॉस बार बोल सकते हैं इसको। लॉन्ग स्पैन हमने 10 mm का है ये वाला, सबसे स्टैंडर्ड जो होता है अब घरों बनाने के लिए या फिर फैक्ट्री के अंदर, तो फैक्ट्री में तो ज़्यादा 12x12 के लेते हैं। अगर घर बना रहे हैं तो सिंगल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी या थर्ड स्टोरी, तो उसमें ऑलमोस्ट 12 mm के ले सकते हैं, 12x10 के, ठीक है। और 10 का नहीं, क्योंकि लोड अगर हम इसमें 12x12 के ले लेते हैं तो डेड लोड बढ़ जाता है स्लैब का, इसलिए मोमेंट का खतरा रहता है उसमें। अगर 12x12 लेते हैं उसको, जो स्लैब की थिकनेस है मिनिमम 6 इंची चाहिए उसमें। अगर 12x10 ले रहे हैं तो उसमें मिनिमम थिकनेस ले रहे हैं 5 इंची, ठीक है। तो 12x10 का एक स्टैंडर्ड है जो रिइंफोर्समेंट आप लेते हैं स्लैब के अंदर। अगर 10x8 का ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे कॉलम है, बीम है, वो स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार हो जाता है इस तरह से, मेन बार जो होता है क्रैंक बार की तरह जाता है, ठीक है। तो ये लोड प्रॉपरली ले लेता है स्लैब का, ठीक है। तो इसमें बीम हमारे पास है, बीम ये हमारे पास चारों तरफ हमने बीम की, फ्लैट बीम, कंसील बीम, इसमें 2 बार हम ले रहे हैं 16 mm के, 2 बार हम 16 के बॉटम में ले सकते हैं, या फिर 3 बार हम ले सकते हैं 12 mm के, 3 बार हम ले रहे हैं 12 mm के, ये दोनों आप इसमें से ले सकते हैं घर बनाने के लिए। और टॉप बार हो गए 2x12 के, टॉप में हमने लिए 2x12 के ले लिए। अगर सिंगल स्टोरी है आपकी बिल्डिंग, अगर डबल स्टोरी है तो उसमें आप 2x16 के लीजिए, 1x12 के नीचे लीजिए और 3x12 के टॉप पे लीजिए। कंसील बीम इसलिए लेते हैं कि ताकि जो चारों तरफ का लोड है आपका स्लैब का वो फ्रेम स्ट्रक्चर बन जाए, और वॉल के ऊपर जैसे कि आप ये वॉल है तो उसमें कोई क्रैक्स ना आए, क्योंकि जो लोड हमारा पड़ेगा एक डिस्ट्रीब्यूट पड़ेगा, मतलब सभी जगह पे पैरेलल लोड रहेगा आपका डेड लोड, और लाइव लोड जैसे कि हमने कहीं पर रखा तो यहाँ पे इस तरह से पॉइंट लोड हो जाता है, इतने एरिया पर ही लोड आपका हो रहा है। उसके बाद देखते हैं रिंग आप ले रहे हैं 8 mm का, 6 इंची सेंटर टू सेंटर, ये आप बीम के अंदर ले रहे हैं 6 इंची सेंटर टू सेंटर, और ये बार आपको मैं दिखा देता हूँ अभी कितना स्पेसिंग लेना है आपको। तो हमें निकालना है 8 mm कितना केजी इसमें लगेगा, 10 बार 10 mm के कितने केजी लगेंगे, 16 mm के कितने केजी लगेंगे, तो टोटल वेट हमारे पास निकालना है। तो साइज सबसे पहले निकाल लेते हैं बीम का साइज हमारे पास 5 इंची बाई 9 इंची है, ये 9 इंची की वॉल आपकी और 5 इंची की इसकी थिकनेस है जो आपकी स्लैब ले रहे हैं।
तो 8 mm का रिंग ले लेते हैं, 2 × 7। हमने रिंग इसमें से करा दिया, ऑलमोस्ट जो रेडीमेड रिंग भी मिल जाते हैं, मैं साइड पे यूज़ करवा रहा हूँ, अगर प्राइवेट है तो जहाँ से सरिया ख़रीदने जाते हैं वहीं से आपको रिंग बने हुए मिल जाते हैं, जो स्टैंडर्ड साइज ऑलमोस्ट यूज करते हैं, 4 बाई 7 इंची। ठीक है, 7 बाई 7 इंची जैसे कॉलम के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये रिंग आसानी से मिल जाते हैं। तो हमने इसमें कवर यूज किया 4 बाई 7 के कवर, इसमें रिंग ले लिया हमने, 4 का ये वाला हो गया, ठीक है, 4 इंची और 7 इंची का आपका ये इधर से हो गया। ठीक है, तो उसमें टोटल कितना हुआ, और हुक ले लेते हैं हम 2 इंची का, ये वन साइड में हुक ले लेते हैं, ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्ड होता है घर बनाने के लिए, 2 इंची ले लेते हैं मिनिमम, 2 इंची का हुक। ठीक है, अगर आपका कॉलम है या फिर वो है तो उसमें मिनिमम 3 इंची का हुक रहेगा, ये वाला जो हुक रहता है 3 इंची का हुक रहता है अगर कॉलम में ले रहे हैं तो, और बीम में भी डिपेंड करता है लोड पर। तो एक कॉमन है 2 इंची का, तो हमारे पास 2 × 7, ये एक एक लाइन एक ही लेंथ, तो 2 × 7 हो गया, और एक ही लेंथ होगा, एक लेंथ हो चारों तरफ की, 2 × 4, ये पूरी ले रहे हैं पैरामीटर। ठीक है, तो 2 × 4, दो एक रिंग हमारे पास हुक कितने हैं, एक और दो हुक हो गए, तो 2 × 7 = 14 इंची, और 8 × 4 = 8, 8 इंची और 2 × 2 = 4, 4 इंची, तो टोटल कितना हो, 26 इंच। फिट को बनाना है फिट में, तो 2.16 फिट हो गया। अब निकालने हैं नंबर नंबर्स ऑफ रिंग, कितने रिंग लगेंगे आपके बीम के अंदर, तो 10 × 12, 10 × 12 मैंने क्यों किया, हमें निकालनी है स्पेसिंग। कोई भी बीम है, कोई भी बीम है, इसमें आपको रिंग प्रोवाइड हो रहे हैं, रिंग प्रोवाइड, इसकी स्पेसिंग है आपकी 6 इंची, तो 6 इंची कितने लगेंगे, तो लेंथ डिवाइड बाई कितनी इसकी लेंथ है, ठीक है, उसके बाद स्पेसिंग, और प्लस वन क्यों करते हैं, जैसे कि हम अगर ये बीम है, ये बीम है, इतनी सी बीम है, तो इसमें हमारे पास ये रिंग प्रोवाइड हो रहे हैं, तो 6 इंची और 6 इंची, 1 फिट का हो गया, तो रिंग कितने हुआ, 1, 2 और 3, तो ये स्टार्टिंग का जो होता है प्लस होता है, लेकिन स्पेसिंग हमारे पास 2 ही है, स्पेसिंग 2 है लेकिन नहीं, प्लस 1 होता है स्टार्टिंग वाला, इसलिए प्लस 1 करते हैं। तो 10 × 12 मैंने 12 इसलिए किया, किया जो ये बीम है हमारे पास, तो हमने 10 गुना इसलिए लिया, 10 को फिट में, ये फिट है और मैं स्पेसिंग है इंच के अंदर, तो हमें इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा फिट फिट को इंच में, तो 10 × 12 इंच हो गए टोटल 120 इंच, प्लस डिवाइड बाई 6, 6 की स्पेसिंग है बीम के अंदर। ठीक है, बीम के अंदर 6 की स्पेसिंग ले रहे हैं, तो +1, तो कितना होगा, 21 रिंग। ठीक है, 21 रिंग ले रहे हैं 10 फीट की लेंथ के अंदर, तो टोटल बीम की लेंथ कितनी है, 12 × 12, तो 12 और 12, ठीक है, और 10 फीट और 10 फीट। आप सोच रहे होंगे कि ये वाले यहाँ पे रिंग प्रोवाइड नहीं होगा, अगर पूरी रिंग ले तो यहाँ पे भी रिंग आएगा, यहाँ पे रिंग आएगा, तो वो इतना तो वेस्टेज आपका निकल जाता है, इसलिए मैं कॉमन ले रहा हूँ फास्टली, क्योंकि आपको निकालना साइड पे जल्दी, तो जल्दी वजह से आप ये कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि इतना तो वेस्टेज भी आपका रिंग निकल जाता है, एक या दो तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, ये दो रिंग का ज़्यादा 3 रिंग का डिफरेंस आएगा बस। तो 12 × 2, हमारे पास 2 बीम हो गई, और प्लस 2 × 10, तो 2 बीम ही हो गई, तो कितने बीम हो गई टोटल, कितनी लंबाई हो गई, 44 फीट, तो 12 × 2 = 24, और 10 और 10 फीट = 20 फीट, तो 24 और +20 = 44 फीट, क्लियर। अब टोटल रिंग्स निकालें, टोटल लेंथ ऑफ बीम डिवाइड बाई स्पेसिंग, तो 44 फीट × 12 इंची डिवाइड बाई 6, अगर इस तरह से निकाल सकते हैं तो कितना हुआ, 528/6, तो कितना हुआ, 88 रिंग। या फिर अगर 10 फीट की लंबाई में आपके निकाल रहे हैं, ये हमारे पास 21 रिंग निकाल रहे हैं 10 फीट की लंबाई में, तो 44 फीट में कितने निकलेंगे, तो कितना हुआ, 92 रिंग्स। तो आसानी से ये भी आप कॉमन लिख सकते हैं कि 21 रिंग अगर 6 इंची की स्पेसिंग है तो 21 रिंग लग रहे हैं 10 फीट की लंबाई में। तो कितनी भी आपकी फिट हो, जैसे कि 20 फीट 120 फीट या फिर सपोज कीजिए 120 फीट है, तो उसमें भी आप आसानी से रिंग कितने लगेंगे, इतने नंबर्स। ठीक है, तो वो भी एक इस तरह से ये याद रख ले सकते हैं, अगर 6 इंची स्पेसिंग है तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि टोटल बीम की लंबाई डिवाइड बाई 6, या फिर अलग अलग निकाल सकते हैं, अलग अलग में आपको टाइम लग जाएगा, थोड़ा रिंग एक्चुअल तो आ जाएंगे पर लेकिन ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैंने ये ले लिया है। तो टोटल लेंथ ऑफ रिंग्स अब हमें निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ रिंग्स कितना है, 19 × 2.16, तो टोटल रिंग मैंने एवरेज ले लिया, 88 रिंग यहाँ पे है, 92 रिंग यहाँ पे, तो दोनों का एवरेज ले लेता हूँ मैं, 90 रिंग, तो 90 रिंग है, तो एक रिंग की लंबाई इतने फीट है, तो 90 रिंग की कितनी हो गई, तो टोटल कितना हुआ, 194 फीट, या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम कितना हुआ, 3.28 से भाग कर देंगे, 1 मीटर होता है 3.28 फीट, तो 1 फीट की बात करते तो 1/3.28, तो ये हो गया क्लियर, तो 60 मीटर्स हो जाएंगे। अब आगे देख लेते हैं वेट ऑफ रिंग्स का, अब हमें निकाल लेते हैं वज़न निकाल लेते हैं रिंग्स का कितना वज़न हो जाएगा,
तो फार्मूला हमारे पास डी स्क्वायर बाई 160 इंटू लेंथ, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है वजन निकालने के लिए सरियों का। तो फार्मूला 8 × 8 सरिया का mm कितना है 8 mm का, डिवाइड बाई 162 लंबाई कितनी है 60 फीट 60 मीटर, तो कितना हुआ 23.7 किलो या फिर 25 kg हम इसको ले लेंगे 8 mm का जो सरिया आएगा वो रिंग बनेगा। उसके बाद देख लेते हैं लेंथ ऑफ टॉप एंड बॉटम बार, लंबाई देख लेंगे नहीं हमें टॉप एंड बॉटम बार की 2 + 3 × 44। अब बीम के अंदर हम ले रहे हैं ये वाला, बीम में हमने कितने लिए थे टोटल कितने, दो टॉप पे लिए थे हमने बार, ये आपका टॉप एंड बॉटम, ये आपका टॉप पे हमने बॉटम में लिए थे और ये आपका बॉटम में लिए थे, तो 3 बार हमने बॉटम में लिए और 2 बार हमने टॉप पर लिए, तो कितना फीट की लंबाई है बीम की टोटल 44 फीट, जो अभी हमने निकाला था 12 × 12 = 24 और 10 फीट 10 फीट 44 फीट, तो इसमें हमारी पूरी आएगा क्योंकि ये सरिया भी पूरा इतना आ रहा है पूरा यहाँ तक आएगा और ये वाला सरिया भी पूरा ऊपर तक फिक्स जाएगा, एक दूसरे के साथ में फिक्स हो जाएगा ऐसी इस तरह की, ठीक है। तो कितना हुआ 44 फीट और टोटल लंबाई की टोटल सरिया कितना हमारे पास 5, तो कितना 220 फीट, अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 67 मीटर आ जाता है। अब हम इसका वजन निकाल लेते हैं, तो डी स्क्वायर बाय 162 इंटू लेंथ, तो कितना होगा अगर आप इसको लास्ट में भी निकालेंगे कि 8 mm का हमारे पास 60 मीटर आ रहा है और 10 mm का हमारे पास इतने मीटर है, तो प्लस करते जाएंगे बीम का सरिया निकाल लेंगे फिर हम उसका स्लैब का सरिया निकाल लेंगे टोटल प्लस करने बाद, तो यहाँ पे भी आसानी से निकाल सकते हैं कि डी स्क्वायर डिवाइड बाय 162 फार्मूला में पुट करने के बाद लेंथ, यहाँ पे आप लेंथ निकल गई 10 mm, ये mm का सरिया है 10 mm 10 mm 8 10 12 mm, तो ये सरिया ऑलमोस्ट यूज कर रहे हैं आप। तो वजन हम यहीं से निकाल लेते हैं डी स्क्वायर इंटू लेंथ, 12 × 12 12 हमारे पास सरिया mm है टॉप एंड बॉटम में बीम के अंदर, तो डिवाइड 62 इंटू लेंथ, लंबाई हमने यहाँ से निकाल ली 67 मीटर, तो कितना हुआ 60 kg, क्लियर। अब नंबर्स ऑफ मेन बार निकालना है हमें स्लैब के अंदर, तो 12 mm का कितना हुआ बॉटम में, तो लेंथ ऑफ क्रॉस बार, लेंथ हमें निकालनी है 12, अब ये निकालना है हमें ये वाला मेन बार निकालना है जो 12 के लग रहे हैं, तो हमेशा बस उल्टा ध्यान रखना कि ये वाली साइड रखेंगे स्पेसिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप ये सपोज कीजिए लेंथ है 12 फीट, अब स्पेसिंग कितनी है 6 इंची 6 इंची, यहाँ पे 6 इंची 6 इंची 6 इंची 6 इंची, ये स्पेसिंग ले रहे हैं, तो लंबाई कौन सी आई 12 फीट और स्पेसिंग कितनी आपकी 6 इंची, तो कौन सी लंबाई आप निकाल रहे हैं ये वाली पूरी लंबाई, ठीक है। तो लेंथ ऑफ क्रॉस बार डिवाइड स्पेसिंग, बस ये लिख रहा मेन बार का यहाँ पे क्रॉस बार कर दो डिवाइड बाई स्पेसिंग प्लस 1 कर दो, तो 12 × 12 ये आपके पास इंची हो गए, तो प्लस डिवाइड बाई 6 इंची स्पेसिंग ले रहे हैं प्लस 1 कर देंगे लास्ट में, तो 25 नंबर आप ले रहे हैं। अब कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पे मैंने ये क्यों माइनस नहीं क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे स्लैब सरिया नहीं ले रहे हैं, तो ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि इतना तो वेस्ट भी आपका लग जाता है, क्योंकि 12 मीटर का, अब 12 मीटर का एक सरिया होता है जिसकी लंबाई होती है 40 फीट, तो उसमें भी आप कटिंग निकालते हैं तो लास्ट में भी कटिंग इतनी निकल जाती है, तो इसमें भी आप थोड़ा बहुत सरिया एक दो दो तीन कम से कम भी ज़्यादा ज़्यादा 2 या 3 एक लेंथ का ही डिफरेंस आएगा ज़्यादा ज़्यादा बस, ठीक है। कम या भी कम हो सकती है या भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि 40 फीट होती है उसमें भी लंबाई निकलती है हमारे पास, तो 40 फीट है 40 फीट में हमारे पास 10 फीट के निकलेंगे, तो चार लेंथ निकल जाती है पूरी पूरी। तो जल्दी में निकालें तो ऑलमोस्ट ये से निकाल सकते हैं, अगर कॉमन निकालेंगे तो ये भी माइनस करेंगे ये माइनस करेंगे तब इसको निकालेंगे, 10 12 फीट में से माइनस करेंगे आप 12 फीट में से 9 इंची और 9 इंची 18 इंची हो गया 1.5 फीट, तो कितना हो गया 10.5 फीट, तो यहाँ पर कितना निकालेंगे फिर 10.5 फीट में निकालेंगे स्टैंडर्ड, पर हमें जल्दी में निकालना है तो कॉमन निकालेंगे थोड़ा बहुत वजन थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आएगा 60 kg हो गया। अब निकाल लेंगे नंबर्स ऑफ मेन बार, हमने यहाँ पे निकाला था 12 × 12 / 6 कितना हो गया 25 नंबर, तो यहाँ पे कितने निकल गए 25 पीस हमारे पास आएंगे ये वाली लंबाई मेन बार, ठीक है। उसके बाद निकाल लेंगे लेंथ ऑफ बार, एक लेंथ की कितनी लंबाई है टोटल लंबाई 25 आपके पास सही आ गए और एक कितना है 12 फीट 12 मीटर, सॉरी यहाँ पे हम निकालेंगे 10 फीट, ये हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने हुए, हमने स्पेसिंग निकालने के लिए टोटल नंबर्स ऑफ बार निकाले थे कितने निकाले 25, तो हमारे पास क्रॉस बार के लिए 12 फीट 12 12 फीट बाई बाई 6 हमने ये निकालने के लिए निकाला था आपने। अब हमें निकालना है ये वाला, अगर ये वाली लंबाई हमने ये वाले नंबर्स ऑफ बार निकालेंगे ये वाले नंबर्स ऑफ बार निकालेंगे तो ये हमारे पास लेंथ चाहिए, इसकी स्पेसिंग 6 इंची 6 इंची 6 इंची ये वाला,
तो ये 10 फीट चाहिए हमें, ठीक है, और लंबाई हमारे पास 12 फीट है ये। तो यहाँ पे हमने कितना निकाला था टोटल लेंथ ऑफ बार, कितनी टोटल लंबाई कितनी आएगी सरियों की, 25 तो सरिया लगे हमारे, और एक सरी की लंबाई कितनी है 10 फीट, ठीक है, तो कितना हुआ 250 फीट। अब फिर 250 को हम भाग करेंगे 3.28 से, तो समथिंग 12.92 मीटर समथिंग कुछ आता है। अब निकालेंगे वेट, वेट निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास डाया गुना डाया, डाया स्क्वायर डिवाइड बाई 62 इंटू लेंथ लंबाई, कितना हुआ 82 kg, 82 kg का वजन आएगा। उसके बाद देख लेते हैं नंबर्स ऑफ क्रॉस बार। अब क्रॉस बार कितने लगेंगे, नंबर्स ऑफ क्रॉस बार, यहाँ पे 12 mm का वजन निकल गया, तो क्रॉस बार हमारे पास ये वाले लगते हैं, ये वाले क्रॉस बार हो गए, तो 10 फीट हमारे पास क्रॉस बार निकालने के लिए ध्यान रखना कि लेंथ ऑफ मेन बार डिवाइड बाई स्पेसिंग प्लस 1, तो लेंथ ऑफ मेन बार कितना है 10, ठीक है, 10 फीट और गुना 12 इंची, तो हमारे पास इंची में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि हमारे पास स्पेसिंग है 6 इंची की, ठीक है, तो ये 12 इंची, तो 10 गुना कितना 120 इंची प्लस, तो 21 नंबर हमारे पास सरिया आएंगे, तो ये वाले सरिया हमारे पास कितने आ गए 21। तो टोटल लेंथ ऑफ सरिया की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी आएगी 12 फीट की, एक की सरिया की लंबाई है और टोटल सरिया हमारे पास 21, तो कितना हुआ तो यहाँ पर कितना आ जाता है समथिंग 240 के आसपास समथिंग कुछ ज़्यादा 200, ठीक है, समथिंग कुछ इतने हो जाते हैं इतने फीट, तो हम इसको गुना कर लेते हैं, तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अब थोड़ा मिस्टेक होगी यहाँ पे, जब इसको इसको भाग करेंगे जो टोटल जो फीट आएंगे, तो फीट को हम इसको भाग करेंगे 3.28 से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 64 point something meter इतने आ गए लंबाई, बस थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गई तो उसको राइट कर लेंगे, मेथड यही है। तो वजन निकालेंगे हम सरियों का, तो 10 फीट × 10 फीट डाय स्क्वेयर, हमारा सरिया ले रहे हैं हम 10 mm का, तो 10 डाय d/d डिवाइड बाई 60 × 64, तो कितना हुआ 40 kg वजन आ जाएगा। तो 8 mm का हमारे पास निकल गया, 10 mm का निकल गया, 12 mm का, 12 mm का यहाँ पे एक निकाला था हमने, 10 mm का हमारे पास एक ही जगह यूज हो रहा है जिसका वजन है 40 kg, और 12 mm का वजन हमने यहाँ पे निकाला 60 kg प्लस, और हमने निकाला था बीम के लिए, ठीक है, और यहाँ पे निकाला था 82 kg, तो टोटल हमारे पास ये आ गया, और रिंग के लिए हमने निकाला था यहाँ पे सरिया, सरिया के लिए 25 kg। तो ये आपका डाटा निकल गया, यहाँ पे आपको सरिया चाहिए 8 mm का, 10 mm का, 12 mm का, टोटल इतना सरिया। तो इसी तरह से आप कोई भी निकाल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।